इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध मेडिसिन कोडिन फास्फेट डाइलेक्स डीसी डॉक्टर रेड्डी कंपनी की 150 सिरप की बोतल जब्त की। शहर में लगातार नशेड़ियों द्वारा अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। अधिकतर अपराधों में आरोपी नशे के आदि पाए गए। इसी कड़ी में पुलिस के आला अधिकारियों ने नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने आदतन अपराधी वसीम पिता अहसान बोस निवासी जूना रिसाला और समत को गिरफ्तार किया है। तो पकड़ाए आरोपी लंबे समय से अवैध नशे के व्यापार में लिप्त हैं। इन आरोपियों पर शहर के विभिन्न थानों में अपराध पंजीबद्ध है। मादक पदार्थों पर हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे, इसके लिए जिला इंदौर पुलिस प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में जो है एक वसीम नाम के और समत नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है। वसीम पे पूर्व से 12 अपराधी पंजीबद्ध हैं और इनसे करीब 150 बोतल कोरेक्स की बरामद हुई है। इसका कोरेक्स का नशा करने के लिए ये लोग यहाँ पर बोतल सप्लाई किया करते थे और ये इन्होंने भोपाल से लाना बताया है। इस संबंध में अभी और पूछताछ जारी है और ये नेटवर्क जो है इनका और कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है इंदौर ज़िले में, उसके संबंध में हम पता करेंगे। और ये आदतन अपराधी हैं, पूर्व में भी ये जो है NDPS में भी बंद हो चुका है, आर्म्स एक्ट में भी बंद हो चुका है। इस तरह के जितने भी अपराधी हैं आदतन जो कि नशाखोरी के धंधे में संलिप्त हैं, इन सब पे कार्रवाई जारी रहेगी। कहाँ से पकड़ा है इनको? यहीं इंदौर में अपने सामान लेके आए हुए थे और उसको बेचने की फिराक में घूम रहे थे। कहाँ